मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन पुलिस ने ऐसे दो शातिर ऑटो चालकों को गिरफ्तार किया है जो सवारियों को बहला फुसला कर उनका सामान लूटकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए आधा दर्जन से अधिक मोबाइल और दूसरा सामान भी बरामद किया है। एक हफ्ते पूर्व कांठ रोड पर एक महिला से अज्ञात बदमाशों ने 15,000 रुपए और उसका मोबाइल लूट लिया था। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से मचे हड़कंप के बाद हरकत में आई सिविल लाइन पुलिस ने हुलिये के आधार पर सोनू और नदीम नाम के दो ऑटो चालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। सीओ सिविल लाइन के अनुसार ये दोनों युवक शातिर किस्म के हैं। ये सवारी को अपने ऑटो में बैठा कर उनका सामान लूट लिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल, कुछ पर्स और लूटी गई कुछ नकदी भी बरामद की है। एक सोनू और दूसरा नदीम, ये दोनों ऑटो चलाते थे और लूट की घटना कारित करते थे। इन्होंने अभी रिसेंटली 8 तारीख को एक रियासत जो वृद्ध व्यक्ति थे अपना इलाज करवाने के लिए आए थे, उनके साथ लूट की घटना की, उनका मोबाइल और 15,000 रुपये लूटे। उसके बाद इनको कल ही थाना टीम ने इनको अरेस्ट किया है। इनसे 8 मोबाइल, 5 सिम और 3 पर्स बरामद हुए हैं। उनमें 9,200 रुपये भी बरामद हुए हैं इनसे। इन्होंने ये घटना और लोगों के साथ भी की है। ये अपने ऑटो में, इनका मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये अपने ऑटो में बैठाते थे, उसके बाद एक इनमें से पीछे बैठ जाता था, वो उनके मोबाइल और पर्स निकाल लेते थे, बाद में उसको गाड़ी से उनको देते थे, उनको उतार देते थे कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। पुराना इनका अभी अपराधी के इतिहास चेक करवा रहे हैं। अभी तक इस सिविल लाइन थाने पर इनका कोई नहीं है अब तक, बाकी हम चेक करवा रहे हैं दूसरे थानों से कि इनका पहले का कोई अपराधी का इतिहास है या नहीं। ये टोटल अभी 2 अरेस्ट हुए, एक इसमें चालक बन जाता था, दूसरा पीछे बैठता था और फिर यह घटना कारित करता था। अभी वो पता करवा रहे हैं, जैसे ही सूचना मिलेगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, लूट में कितने मोबाइल बरामद हुए हैं अभी इनसे? टोटल 8 मोबाइल और 3 पर्स और 9,200 रुपये और 5 सिम बरामद हुए। सर, इनकी एजुकेशन कितनी है? वो अभी चेक करवा रहे हैं उनका एजुकेशन।